प्रकाशित वाक्य के पुस्तक दूसरा अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। एफिसियोस के कलीसिया के दूतों के एक लिख जो सातों सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरा परिश्रम और तेरे धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हाई नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझे मैं ये बात तो है कि निकोलस की कामों में घृणा करता हूँ, उस उनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमन। प्रभु यीशु के नाम से हम आपके बीच में हम आते हैं। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। ये जगह से हम कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं। आज ये एफिसियस के कलीसिया के बारे में हम कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं। पहला चीज, सात कलीसिया को परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने लेटर्स अपने मैसेज को जो है पार करते हैं। आज भी हम परमेश्वर के पास से एक चीज हम सीख सकते हैं। परमेश्वर हमारा साथ बात करते हैं, परमेश्वर हमारे पास संदेश को पहुंचाते हैं, परमेश्वर हमारा साथ हमारा उन्नति के लिए, हमारा बदलाव के लिए, हमारा आशीर्वाद के लिए परमेश्वर कुछ तो हमारा साथ परमेश्वर बात करना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर जीवता जागता जीवित परमेश्वर है, वो जागते हुए परमेश्वर है, वो हमारे साथ बात भी करते हैं। परमेश्वर बात नहीं कर सकते हैं ऐसा एक मूर्ति नहीं है, परमेश्वर बात कर सकते हैं, परमेश्वर है। ये लेटर एफेसियों के कलीसिया के बारे में हम ऐसा देख सकते हैं। एफेसियस उसका वो चर्च कैसा बना, पौलस के द्वारा सुसमाचार, पौलस ने सुसमाचार सुनाया, बहुत बड़ा परमेश्वर का काम हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रगल था। पहला एफेसियस शैतान का एक गढ़ था, वहां परमेश्वर अपने दासों के द्वारा वो गढ़ को हटा के अपने राज्य को वहां स्थिर किया है, परमेश्वर अपने राज्य को लेके आया। वो जगह जो है पर एक बड़ा जो है अच्छा कलीसिया आ गया, वो कलीसिया में प्रेरित प्रेरित योहन्ना भी उसमें थोड़ा समय वो कलीसिया का जो लीडर था, ऐसा जो है हम कुछ बातों को जो है देखते। ये कलीसिया इतना था, उसका कलीसिया का नाम भी जो है डिजायरेबल, ऐसा जो है इंग्लिश में बोलते हैं प्रिय जो है, ऐसा हम मतलब से ले सकते हैं। उसका मतलब है, इसका मतलब है प्रेम, प्रिय। लेकिन ये चर्च का ये प्रॉब्लम था, लेकिन जो उसका नाम था वो नाम से कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो उसमें हम बाद में देखेंगे। पहला चीज हम देख सकते हैं एफेसियस का, परमेश्वर अपने एक चिट्ठी इसी प्रकार पवित्र आत्मा अपने संदेश को इसी प्रकार परमेश्वर जो है देते हैं, प्रसन्न करता है उसका, ऐसा देख सकते हैं। पहला, परमेश्वर अपने आप को दिखाते हैं, मैं कौन है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सामर्थ के बारे में, अपने शक्ति के बारे में, अपने बारे में परमेश्वर अपने मैं क्या कर सकता हूँ, वो सारे बातों को परमेश्वर प्रसन्न करता है। सेकंड, परमेश्वर इसी प्रकार उसमें हम देख सकते हैं, परमेश्वर वो कलीसिया का बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट, प्लस पॉइंट उसने कलीसिया ने क्या क्या काम किया, क्या काम कर रहा है, क्या मुझे पसंद लगता है, क्या क्या काम के लिए मैं बहुत खुश हूँ, वो सारे बातों को जो है वर्णन करता है। तीसरा बात जो है हम देख सकते हैं उसका माइनस पॉइंट, उसका माइनस पॉइंट ये था, पहला जो प्रेम था वो प्रेम जो है उसमें कम हो गया, ऐसा जो है उसमें हम देख सकते हैं। परमेश्वर इसमें कुछ बातों को जो है हम देख सकते हैं, कुछ अच्छा बातों को भी परमेश्वर बात किया, कुछ माइनस पॉइंट को भी परमेश्वर वहां बात किया।
परमेश्वर का जो है चीजों को। और इसके बाद ये परमेश्वर ये भी बोला है, ये सब आप करेगा तो क्या होगा, वो भी परमेश्वर जो है प्रसन्न किया है, ये सब आप करेगा तो क्या होगा, वो भी परमेश्वर ने बोला, ये नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भी परमेश्वर बात किया है। और लास्ट में हम देख सकते हैं परमेश्वर अपने मैसेज को जो है डिसीजन कर लेने के लिए जो है परमेश्वर ऐसा है उसको छोड़ दिया है। तो तुमको जो जिसका कान है वो सुने, ऐसा जो है परमेश्वर छोड़ देते हैं। परमेश्वर के बारे में एक चीज हम सीख सकते हैं, परमेश्वर किसी को जो है प्रसन्न नहीं देते हैं, किसी को परमेश्वर कंपल नहीं करते हैं तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर नहीं बोलते हैं। परमेश्वर हमको रास्ता बताएंगे, हम बाइबल में भी देख सकते हैं परमेश्वर हमारा सामने ऐसा तुम्हारा सामने श्राप और आशीर्वाद को मैंने बता दिया है, तुम पसंद कर सकते हैं कौन सा रास्ता पे जाना है वो तुम पसंद कर सकते हैं, परमेश्वर का स्वभाव। लेकिन शैतान का स्वभाव ऐसा नहीं, जहाँ शैतान बहुत जबरदस्ती करेगा, बहुत पकड़ेगा तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा जो है प्रसर देगा हमको जबरदस्ती करके वो रास्ता पे लेके आएगा। कंट्रोलिंग करना जो है परमेश्वर का काम नहीं है, कंट्रोलिंग करना शैतान का काम है, वो शैतान इसी प्रकार वो करता है। एकलिशा में जो है एक बार तो जो है हम देख सकते हैं एकलिशा में परमेश्वर का वचन इसी प्रकार है, तुम्हारा शुरुआत में पहला जो प्रेम था वो प्रेम को तुमने छोड़ दिया। तुम्हारा एक चीज में जो मुझे बोलना है क्या है कि तो शुरुआत में पहला जो प्रेम जो था वो प्रेम को तुमने छोड़ दिया है, ऐसा करके परमेश्वर ने एक कंप्लेंट एकलिशा के लिए परमेश्वर बोलता है और एक वार्निंग परमेश्वर देता है, नहीं तो उसका कंडीशन को परमेश्वर हम बताते हैं। लेकिन एकलिशा में बहुत सारा चीज जो है अच्छा चीज सब हम देख सकते हैं, हम वो वचन को हम पढ़ेंगे तो जो है हम देख सकते हैं एकलिशा बहुत धीरज रखता था, एकलिशा जो है बहुत अच्छा परमेश्वर के लिए काम करता था, एकलिशा जो है बहुत परमेश्वर के लिए प्रयास करता था, बहुत दुष्ट लोगों को जो है सहन नहीं कर सकते हैं, पाप में जो रहते हैं उसको सहन नहीं कर सकते हैं ऐसा था। और फर्क ये देखते हैं कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन प्रेरित है कौन प्रेरित नहीं है, फिर और भी देख सकते हैं एकलिशा परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत करने वाला, बहुत प्रयास करते हैं, वो उसका चर्च का बारे में ऐसा बोल सकता है तो बहुत अच्छा चर्च है, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री हो रहा है, बहुत अच्छा बाइबल टीचिंग जो है बहुत अच्छा है, बाइबल नॉलेज बहुत सारा है और डिसर्निंग स्पिरिट कौन कैसा है वो डिसर्निंग स्पिरिट बहुत अच्छा से जो है काम कर रहा है, अच्छा फ्रूटफुल चर्च है, अच्छा जो है उसका फल भी है और रात दिन मेहनत करने वाला देख सकते हैं, बहुत अच्छा जो है अच्छा कलीसिया है। ऐसा करके हम बाहर के हिसाब से हम देखेगा तो हमारा हिसाब से मनुष्य के हिसाब से हम देख सकते हैं तो बहुत अच्छा जो है चर्च से ये चर्च में। और एक प्लस पॉइंट ऐसा है मैं जो जिस टीचिंग को जिसका गणित करता है उसको तुम भी करता है, मैं जैसा चाहता हूँ वो वैसा भी तुम भी करता है, ऐसा परमेश्वर उसको बहुत तारीफ किया है। इसी प्रकार बहुत अच्छा जो है कलीसिया कलीसिया में परमेश्वर एक चीज ऐसा बोलते हैं तो पहला जो प्रेम था वो प्रेम को तुमने छोड़ दिया है, बहुत कम हो गया, नहीं तो जो है अपना पहला से प्रेम छोड़ दिया है, ऐसा परमेश्वर एक कंप्लेन करते हैं। एक चीज हमसे भी परमेश्वर हमको बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, हमको भी परमेश्वर इसी प्रकार बोल सकते हैं तुम पहला जो प्रेम था वो प्रेम को तुमने छोड़ दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो है पहला परमेश्वर का यीशु के पास हम आते हैं तभी हम यीशु के ऊपर एक बड़ा जो प्रेम रहता है उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, वो समय में हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, वो समय में हमको कुछ बाइबल मालूम नहीं है, वो समय में हमको कुछ गीत नहीं आता है, वो समय में हमको तो कुछ भी नहीं आता था आत्मिक जीवन में, नहीं तो परमेश्वर का चर्च में माने के समय में शून्य था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर जीसस के ऊपर एक प्रेम, जीसस करके बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है, जीसस के बारे में कोई भी बात करेगा तो बहुत अच्छा लगता था, जीसस 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 ऐसा जो है हम उसके पीछे भागता था। लेकिन जैसा समय समय जाते 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 हमारा लाइफ में इसी प्रकार हो जाते हैं, बहुत हमारा जीवन में बहुत सारा ऊंचाई नीचाई दुख और परेशान, बहुत सारा लोग वो लोगों का धोखा, वो लोगों का चिटी छिटी, हमको कितना धोखा दिया है, वो सारे अनुभव हमको मिलते हैं, मिलने के बाद जो है हमारा हृदय थोड़ा कठिन हो जाते हैं। कुछ लोगों को हम बाइबल में देख सकते हैं वो लोग प्रभु परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम था वो प्रेम को कभी एक इंच भी नीचे होने नहीं दिया, यीशु के पीछे जैसा फ्रस ऐसा था वैसा ही जो हर्द तक था, ऐसा भी लोगों को हम बाइबल में देख सकते हैं। कुछ लोगों को हम देख सकते हैं
अच्छा ही था, अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा समय के बाद वो सारे बातों को जो है छोड़ के एकदम धीरे 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 बैकसाइड हो गया, पीछे से हट गया। परमेश्वर ऐसा खाली ऐसा एडजस्ट करके जाता नहीं है, परमेश्वर यहाँ ऐसा बोलते है तू वहां गिर गया है, तुमने जो है पहला से प्रेम से उसमें से तुमने गिर गया है, तुमने उसमें वापस सुधार होकर के परमेश्वर यहाँ बात करते हैं। ये प्रेम तो हमारा जीसस के ऊपर है, लेकिन ये चीज कैसा हमारा लाइफ में कम हो जाता है, वो चीज को हम थोड़ा से हम देखे हम समाप्त करेंगे। पहला चीज है परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम है, ये प्रेम हमारा लाइफ में कम होने के लिए फर्स्ट रीजन हमको परमेश्वर हमारा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, हमारा पीछे तो शैतान पड़ा रहता है, शैतान तो कुछ ना कुछ करते रहता है, हमको कैसा भी जीसस से नहीं तो जीसस से अलग नहीं कर सकता, तो हमारा जो स्पीड है वो स्पीड को कम करने के लिए कुछ तो शैतान जो है लेके आने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो कुछ भी नहीं है उसको बड़ा करने के लिए बहुत प्रयास करेगा, नहीं तो बाहर से कुछ प्रॉब्लम लेके आने के लिए प्रयास करेगा, नहीं तो अंदर से कुछ प्रॉब्लम को लेखड़ा करने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन हम फर्स्ट कुछ रीजन फर्स्ट रीजन ये है, जब हम परमेश्वर के पास हम आ जाते हैं, जीसस को हम बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो यीशु 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 करके हम उसका दीवाना बन जाते हैं, यीशु के पीछे हम पागल जैसा रहते हैं, पतरस जैसा रहते हैं, नहीं तो मारी मगदलीन जैसा रहते हैं, तभी परमेश्वर हमको देखे बहुत खुश हो जाता है। परमेश्वर अपने आशीर्वाद की वर्षा बारिश को जो है हमारे ऊपर वो डालने लगता है। परमेश्वर का ऐसा एक स्वभाव है, वो किसी की कोई भी व्यक्ति उसके पास आएगा तो उसको काले हाथ जो है वो छोड़ नहीं सकता है। बोअस के खेती में रूत आई थी, काली ऐसा बिनने के लिए आई थी, जो नीचे जो गिरता है वो सारे चीजों को जो है थोड़ा गिन के उसका सांस के लिए ले जाएंगे, ऐसा ही आई थी, लेकिन बोअस ने ऐसा नहीं छोड़ा है। बोअस को मालूम पड़ा है ये औरत है मोआब देश से हमारा देश में आई है, कुछ अच्छा स्वभाव को उसने देखा तो जो है बोअस ने बोला इसको तो हमको तो बहुत आशीर्वाद करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, इसको काले हाथ नहीं जोड़ना है, थोड़ा से नहीं जोड़ना है। परमेश्वर हमको हम प्रभु का मार्ग में हम चलते हैं, परमेश्वर के मनपसंद का जीवन हम जीने के लिए हम प्रयास करते हैं, तभी परमेश्वर का हृदय भी इसी प्रकार हो जाता है, उसका दिल हमारे ऊपर बहुत लगाव, उसका हमारे ऊपर एक लगाव जो है प्रभु का मन में आ जाते हैं, वो हमको आशीर्वाद करने लगते हैं। और बहुत सारे इतिहास को हम देख सकते हैं, जीसस के पास आया आने के बाद हम गरीब हो गए ऐसा कोई नहीं बोल सकते, हम जो था उसको भी जीसस ले लिया ऐसा भी नहीं बोल सकते। कभी कभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आते हैं, कभी कभी परमेश्वर कुछ आशीर्वाद को हमारा लाइफ में से लेता है, लेता तो जो है वो खाने के लिए नहीं है, हमको खाने के लिए और दूसरा लोग भी खाने के लिए, हमको खिलाने के लिए, बहुत सारा एक चमत्कार करने के लिए परमेश्वर लेता है। एक भक्त ने इसी प्रकार ऐसा बोला था, परमेश्वर कुछ भी रोटी लेकर तो परमेश्वर केक हमको उसकी जगह पे परमेश्वर केक हमको देंगे करके। परमेश्वर को हम इतना साल से मैंने देख लिया है, एक चीज को गारंटी हम बोल सकते हैं, ऐसा जैसा दाऊद ने ऐसा बोला था, मैं जवान था मैं बुढ़ा हो गया, परमेश्वर का लोग कभी भीख मांगते हुए, परमेश्वर का धर्मियों का संतान कभी भीख मांगते हुए मैं नहीं देखा है, ऐसा उसने दाऊद ने बोला है। इसी प्रकार में हम भी बोल सकते हैं, परमेश्वर का बच्चों लोग कभी भीख नहीं मांगते, परमेश्वर अपने बच्चों को आशीर्वाद करते हैं। नंबर्स 24 में गिनती का पुस्तक उसका 24 में भी हम देख सकते हैं, इसराइल का आशीर्वाद करना है परमेश्वर का इच्छा है, आशीर्वाद करना परमेश्वर का कुण के अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव के अंदर है, किसी को भी वो देखेगा तो वो कैसा आशीर्वाद करें ऐसे परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर करता भी है, वो एक चीज है। सेकंड चीज जो है, हम परमेश्वर के पास आते हैं, जीसस को हम मार्ग में हम चलते हैं, जीसस में हम बहुत लगाव में रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तभी सेवा परमेश्वर का, परमेश्वर हमारा हाथ में जो है कुछ कामों को सौंपता है। हम उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पतरस अपने लाइफ में जीसस को छोड़ दिया था, बहुत बैकस्लाइड हो गया, आने के बाद जीसस रिसरेक्शन हो गया, जिंदा हुआ, जी उठा, जी उठने के बाद जीसस ने जे पतरस के पास जाके ऐसे पूछा, योहन्ना के पुत्र पतरस, सिमोन तुम सबसे ज्यादा जो मुझे प्यार करता है, ऐसा पूछा था। फिर उसके बाद में और एक बार जो है उसने पूछा था, फिर तीसरा बार में भी पूछा था, सबसे ज्यादा तुम मुझे प्यार करते हैं, हर समय में पतरस ऐसा जवाब देता था, यस लॉर्ड, प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, हर समय में जीसस ऐसा बोलता था, ऐसा है तो
मेरा मेमना को दो है तू चलाओ, मेरा जो है बेट को तू चलाओ, ऐसा परमेश्वर हर समय में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, परमेश्वर का हमको प्यार करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन नहीं तो उसका उसके परिणाम ऐसे इसी प्रकार हो जाते हैं। मिनिस्ट्री परमेश्वर हमारा हाथ में सौंपता है, परमेश्वर को प्रेम करने वाला लोगों को ऊपर परमेश्वर कुछ काम उनको देता है, परमेश्वर कुछ आशीर्वाद करते, कुछ मिनिस्ट्री देता है, कोई भी कुछ भी उसका राज्य के उन्नति के लिए कुछ भी हो सकता है, वो हमारा हाथ में आ जाते हैं। ये परमेश्वर का ब्लस एक साइड में एक विश्वासी मिनिस्ट्री में नहीं है, प्रभु का आशीर्वाद एक साइड में हमारा दरवाजे के पास आके खड़ा रहते हैं। परमेश्वर का भक्त दाऊद ने ऐसा बोला था, मेरे जीवन के अंदर तक गुडनेस एंड ग्रेस भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे आएगा। वो तो सच बात है क्योंकि उसने अनुभव किया है, मैं भी अनुभव किया है। आपका दरवाजा के पास आके खड़ा रहता है, सारे पार्सल सारे आशीर्वाद गुडनेस भलाई और करुणा सारे बातों आशीर्वाद आके खड़ा रहते हैं। दूसरा सेट में हम देखेगा तो परमेश्वर हमको आशीर्वाद करते हैं, परमेश्वर आत्मिक जीवन में हमको बहुत ऊंचा स्थान में लेके आते हैं, परमेश्वर दूसरा लोगों का आशीर्वाद का एक कारण बनाते हैं। तभी एक दो चीज है, एक दो चीज के ऊपर हमारा नजर लग सकता है, लगने के लिए संभावना जास्ती है, चांसेस है, क्योंकि ये हमको बहुत आइडेंटिफिकेशन देता है, बहुत बड़ा हमारा नाम जो है ऊंचा करने वाला चीज है। हम हमारा मिनिस्ट्री ऐसा नहीं तो कोई भी परमेश्वर के लिए हम जो करते हैं उसके द्वारा कुछ कुछ जो है हमारा कुछ एड्रेस वेड्रेस हो जाता है, बहुत सारा आशीर्वाद हो जाते हैं, तभी हमारा मन इसी के पीछे जो है जा सकते हैं। नॉर्मली जो है लोगों का लाइफ हमारा लाइफ इसी प्रकार होता है, थोड़ा अच्छा रहेंगे फिर धीरे 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 प्रेम जो है ऐसा कम हो जाते हैं। प्रेयर का लाइफ में भी हम देखा है, थोड़ा अच्छा प्रेयर चलेगा फिर बाद में धीरे 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 प्रेयर कम हो जाते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसा एक दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया में बहुत से ये प्रेम को प्रेम यीशु के ऊपर हमारा जो प्रेम है वो प्रेम को कम करने वाला बहुत सारा चीज ये दुनिया में है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये दुनिया की हवा हमारा जीवन में लगता है। हम नहीं तो कोई भी ऐसा बात करते हैं वो हमारा प्रेम को कम करने के लिए बहुत सारा चीजेस है हमारा लाइफ में इसी प्रकार हो सकते हैं। मैं मेरा अनुभव से मैं देखा है 90% जो है यीशु मसीह के ऊपर जो प्रेम को कम करने वाला ये दो चीज मुझे ऐसा मालूम पड़ा है। कोई पत्थर वत्थर मत लेना है मुझे पत्थर मारने के लिए, मेरा जो ओपिनियन है, आपका ओपिनियन दूसरा हो सकता है, मेरा ओपिनियन ये है परमेश्वर का आशीर्वाद के ऊपर हमारा फोकस लग सकता है, लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, इसलिए वो चीज को हम एक्सेप्शन है, वो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन बस कुछ लोग ज्यादा लोग जो है ऐसे हो जाते हैं। परमेश्वर आशीर्वाद करने से पहले अलग प्रकार रहेगा, कर्म में परमेश्वर आशीर्वाद करने के बाद अलग प्रकार रहेगा। कुछ कुछ लोग ऐसा है प्रभु कुछ भी आशीर्वाद करेगा, कुछ भी पैसा वैसा देगा उन तभी उसका मन हिलता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री में जो है हिल जाते हैं, वो प्रभु के लिए काम करते हैं, भागते 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 दौड़ते रहते हैं, उसको समय नहीं मिलता है प्रभु का, वो ऐसा उसका मन में ऐसा रहता है। हम तो प्रभु के लिए काम करते हैं ना, हमारे जीवन के मरने से पहला तो प्रभु के लिए तो कुछ तो काम करना है ऐसा हम सोचते हैं, वो हमारा मन के जो है बात है, लेकिन परमेश्वर के पास हम पूछता नहीं प्रभु क्या सोचते हैं, वैसा मालूम हमको पड़ता भी नहीं। एक भक्त एक परमेश्वर का दास था, उसको उसने ऐसा पहाड़ी इलाके में वो सेवा करता था, बहुत पहाड़ पहाड़ में जाके वैसा प्रभु ने ऐसे ही बोला था तुमको ऐसे इसी एरिया पे तुमको सेवा करना है। फिर कुछ सालों के बाद प्रभु ने बोला था तुमको अभी कन्वेंशन ऐसा बड़ा बड़ा जगह पे जो है टीवी में तुम प्रचार करेगा तो बहुत तुमको अभी सब लाइन जो है तुम्हारा चेंज होगा करके प्रभु ने बोला था। वैसे ही प्रभु ने उसको आशीर्वाद किया है, सब टीवी में वो प्रचार करता था, बड़ा बड़ा कन्वेंशन में वो प्रचार करता था, उसका मिनिस्ट्री का लाइन ट्रैक जो है सब बदल गया। प्रभु पहले से बोला था तुमको मैं उपयोग करेगा, इसी प्रकार उपयोग करेगा, करने के बाद उसका मिनिस्ट्री बहुत फास्ट हो गया, बहुत बहुत बिजी है, कभी भी हमेशा बिजी रहता है। एक दिन प्रभु ने बोला था बेटा तुम जो है तुम्हारे साथ मैं बात ही नहीं कर सकता, इसी प्रकार तुमने जो है बहुत बिजी हो गया। तभी एक दिन ऐसा प्रेयर में एकदम बिजी लाइफ के बीच में भी जो है उसने ऐसा एक दिन जाके प्रभु चरणों में बैठा था, प्रेयर किया, तभी प्रभु ने बात किया था अभी तो आजकल तो तुम तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गए रहे भाई, तो हम बात नहीं कर सकते हैं, हम बैठ के जो है तुम्हारे साथ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, इसी प्रकार जो है तुम बहुत बिजी हो गया। तभी उसको समझ में आया प्रभु कुछ बोलने के लिए आता है, कभी कभी परमेश्वर इसी प्रकार भी बात करता है, ऐसा उसको उसको थोड़ा समझ में आ गया, कुछ तो गड़बड़ जैसा लगता है जीसस इसलिए ऐसा बोलता है करके। फिर उसके बाद उसने बहुत सारा
चीज उसको जो है बहुत सारा चीज को थोड़ा चेंज सब कुछ किया है। प्रेयर टाइम को जो है हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रभु के साथ ज्यादा बैठेंगे, ऐसा करके उसने अपने लाइफ को थोड़ा चीज को जो है थोड़ा कुछ बातों को थोड़ा एडजस्ट किया, एडजस्ट करके फिर ज्यादा समय प्रभु के पास बैठ के आगे बढ़ने के लिए आगे निकल गया। इसलिए हमारा परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, तुम जवानी में जो फर्स्ट फर्स्ट जो फर्स्ट लव था, जो पहला प्रेम था, वो प्रेम मेरा हमेशा जो है मेरा ऊपर रहे, उसको किसी कोई चीज जो है उसमें उसको मत ना ले, ये परमेश्वर का इच्छा है। वो उसको प्रभु एडजस्ट नहीं करेंगे, सहन भी नहीं करेंगे, परमेश्वर एडजस्ट भी नहीं करता है। कभी कभी एडजस्ट करता है जैसा लगेगा, परमेश्वर हमको आशीर्वाद करते हैं, हर प्रकार के आशीर्वाद करते हैं, परमेश्वर हमारा मिनिस्ट्री को भी प्रभु आशीर्वाद करते हैं, बहुत सारा चीज चलेगा, मिरेकल होगा, बहुत सारा चीज होते रहेगा। हम ऐसा सोचेंगे प्रभु तो एकदम कंप्लीट जो है हमारा ऊपर बहुत खुश है करके ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसी प्रकार नहीं होते। परमेश्वर उसके हृदय के अंदर इसी बात रहते हैं, मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरा बेटी हमेशा जो है, पहला जो मेरा जा साथ कैसा चलती थी, वैसा रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। यरमिया का पुस्तक में इसी प्रकार एक वचन ऐसा आएगा, तो जवानी का जो है तुम्हारा प्रेम को मैंने याद किया। परमेश्वर भी ऐसा याद करते हैं, हमारा लाइफ में हम उधार पाया है, वो समय में हम जीसस को ऊपर कैसा था, जैसा जीसस 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 करके उसके पीछे भागता था, वो सारी बातों को प्रभु भी याद करते हैं। इसलिए लोग इजिप्त से बाहर आया तभी बहुत अलग प्रकार प्रभु का साथ ऐसा था होगा लगता है, इसलिए ऐसा परमेश्वर ने बोला है। आपका लाइफ में भी परमेश्वर, मेरा लाइफ में भी परमेश्वर ये बोलना चाहते हैं, तू वो जवानी में तुम पहला शुरुआत में वो समय में तुमको कुछ भी नहीं आता था, कभी जैसा था वैसा ही जो है तुम वापस और एक बार जो है वैसा तो हो जाओ, ऐसा करके परमेश्वर हमको बोलते हैं। वो हमारे लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा जो है नहीं तो परमेश्वर ब्लेसिंग जो है आशीर्वाद कुछ एक नशा जैसा जो है हमको परमेश्वर का कुछ ऐसा इसी प्रकार हो सकता है। हम थोड़ा समय के बाद मिनिस्ट्री तो स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत में बहुत फेथफुल रहेंगे, फिर उसके बाद बहुत भागने लगता है, बहुत दौड़ने लगता है, बहुत समय नहीं मिलता है, इसी प्रकार जो है हम हो जाते हैं जिस वो परमेश्वर को जो है पसंद नहीं है। हमारा भाई अपना प्रॉफिट एबनेसर भाई ऐसा उसके साथ एक दिन हम बात कर रहा था, तभी ऐसा उसने ऐसा एक बार ऐसा बात किया था, उसका प्रेयर लाइफ उसके साथ प्रभु के साथ कैसा, प्रभु उसको क्या सिखाया, क्या चीज ऐसा उसके एक्सपीरियंस के बारे में वो बात कर रहा था। अभी उसने एक बात ऐसा बोला था, मैं अभी प्रभु के पास जाके कुछ भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं प्रभु के पास जाता हूँ, उसका घर पे एक रूम है, मैं ऊपर वो रूम में वो उसमें ज्यादा वो प्रेयर करते हैं, ऐसा उसने बोला था। मैं प्रभु के साथ जाके बैठ के प्रार्थना करने के लिए मैं जब जाता हूँ, जाके जीसस का पास जाके बैठ के मैं कुछ बोलता नहीं है, जीसस हम एक सेंटेंस हम बोलते हैं, जीसस मेरा जवानी का प्रेम का आप थोड़ा सोच के देखो, इतना ही मैं बोलता हूँ, इतना में जो है मेरे आंखों से जो है आंसू आ जाते हैं। मैं जब उधार पाया था कॉलेज में था तभी मैं कैसा जीसस के लिए था, वो मेरा साथ जो रहने वाला लोग कैसा जीसस 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 करके पागल जैसा था, वो सारी चीजों को मैं याद करता हूँ, याद करके प्रभु के साथ ऐसे प्रभु के कोद में बैठा है ऐसा करके सोच के मैं रोते 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 थोड़ा समय के बाद नीचे उतर के आ जाता हूँ। बस मेरा लाइफ में फिर बाकी मेरा रूटीन लाइफ को जो है मैं जीना जो है स्टार्ट कर लेता हूँ, ऐसा उसने बोला था। इसी प्रकार ही भाई अभी तो इसी प्रकार ही आजकल जो है मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा उसने बोला था। मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, मुझे सेक भी किया है, क्योंकि उसके पास ऐसा बोलने के लिए बहुत सारा चीज उसने अपने लाइफ में बहुत पहले जो है मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया था, बहुत परमेश्वर उसको उपयोग किया है, उसने मिनिस्ट्री में भी प्रभु मुझे उपयोग करो, मुझे परमेश्वर मुझे कृपा दे दो, परमेश्वर रेवलेशन दे दो, परमेश्वर मुझे वरदान दे दो, इसी प्रकार उसने ऐसा बात किया, प्रार्थना किया होगा। लेकिन अभी जो है वो सारी चीजों को उसने चेंज कर दिया, उसने ऐसा चेंज करके इसी प्रकार वो हो गया था। हमको दूसरा बाकी कोई चीज जो है हमको उसके बाद वो हफ्ता में हमको किधर मिनिस्ट्री होगा, कन्वेंशन होगा, कोई 3 दिन का मीटिंग होगा, नहीं तो कोई बाइबल कॉलेज में जाके टीचिंग करना होता है, कुछ भी होता है, लेकिन मैं तो उसके बारे में अभी चिंता नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो डायरेक्ट मैं जीसस के पास जाके बैठ के
जीसस के समूह में मैं बैठ के उसके साथ बातचीत करके रोते रोते मैं आ जाता हूँ, मैं आके मैं मेरा काम कर लेता हूँ, परमेश्वर बाकी सारे चीज़ों को प्रभु अपने हाथ में ले लेता है। ये जो है परमेश्वर हमसे भी जो है इसी प्रकार चाहते हैं, हम तो हम भी जो है उसके पास आ जाए, जैसा अपने सर भाई का लाइफ में उसने अपने लाइफ में मेन चीज़ों को उसने पकड़ लिया है, समझ लिया है, समझने के बाद उसने अपने लाइन पे आ गया। पर मैं परमेश्वर मरियम को देखे इसी प्रकार ऐसा बोला था, मरियम उत्तम भाग को जो है पसंद किया है। उत्तम भाग ये है प्रभु के समूह में बैठना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। परमेश्वर आज भी हमसे ये चाहते हैं तुम हम उसके साथ समय दें। ये दुनिया अभी आजकल हम 8% जो दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया में हमारे पास समय नहीं रहता है, बहुत बिजी वर्ल्ड है, सारे चीज बहुत बिजी जो है चलता है, बहुत फास्ट है, हम जो खाना से पीना से सब जो है इंस्टेंट, सब जो है एकदम फास्ट, सारे चीजों एकदम फास्ट होना चाहिए। ऐसा ही एक लाइफ में हम रहते हैं, हम जीते हैं। पहले का लोग ऐसा नहीं था, बोले के पास समय था, प्रभु के साथ बैठने के लिए भी समय था, सारे बातों में समय था। हम ऐसा एक दुनिया में हम आ गया है, एकदम फास्ट एक दुनिया में हम आ गया है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ये चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहते हैं उसके साथ हम बैठे, उसके साथ हम बातचीत करें। तो पहला शुरुआत में जो जवानी में परमेश्वर का ऊपर जीसस 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 करके एक लगाव था, वो लगाव में हम वापस आ जाएं। ये परमेश्वर का परमेश्वर का आवाज है, परमेश्वर का संदेश है, इसको हम मानेंगे। परमेश्वर मुझे भी कृपा दें, परमेश्वर का रास्ता पे इसी प्रकार जवान परमेश्वर का पहला प्यार में बने रहने के लिए प्रभु मुझे कृपा दें। चलो हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पादस्थल है। मैं इतना बड़ा परमेश्वर हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा मनुष्य के अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर आप रहने के लिए आप आया है। कितना महान प्रेम है, कितना अच्छा परमेश्वर है। हमारा लाइफ में कितना बहुत सारा कमी है, कमजोरी है, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आप हमको बोलता नहीं है, प्रभु आप हमको प्रेम करते हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये आवाज सुनने वाला सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा फर्स्ट लव, पहला जो प्रेम, वो हमेशा हमारा लाइफ में बने रहे। परमेश्वर हमको कृपा दे, परमेश्वर वापस हमको झुला दे, परमेश्वर हम किसी के पीछे हम न जाए। जैसा मोसेस कितना सारे बहुत सारा आशीर्वाद उसको दिया था, बहुत बड़ा चर्च प्रभु आपने दिया था, बहुत सारा आशीर्वाद था, बहुत सारा वरदान उसके द्वारा हुआ था, चिन्ह और चमत्कार एकदम माइटी था, उसको बहुत सारा रेवलेशन मिला है, लेकिन प्रभु वो आपके पीछे भागने लगा। मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु को आवाज सुनना है, प्रभु मेरा प्रभु तो मेरे साथ बात करते हैं, लेकिन मुझे प्रभु को देखना है, ऐसा जो है उसमें बहुत प्यासा था। ऐसा परमेश्वर हमको बना दे, परमेश्वर हम सब लोगों को बना दीजिए प्रभु, हमको कृपा देना परमेश्वर, आपके रक्त के अंदर हम सब लोगों को रख दें परमेश्वर, आपके आगमन तक परमेश्वर हम आपके ऊपर जो लव प्यार है वो प्रेम से हम कम ना हो जाए परमेश्वर, वो प्रेम हमारा लाइफ में आगे हमेशा बढ़ते जाए प्रभु, हमको कृपा देना। सारे आदर महिमा सब कुछ परमेश्वर आपको देते हैं प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।